के दर्जे की मांग उनकी है और पूरे मामले पर सरकार को कई बार पत्र लिखा गया है। संघ के महासचिव हैं शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, अब सीएम नीतीश से मुलाकात करने वाले हैं और कहा है उन्होंने कि शिक्षक ना तो फॉर्म भरेंगे और ना ही परीक्षा देंगे। बिहार में शिक्षक बहाली प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। वहीं दूसरी तरफ बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा ऐलान कर दिया है कि राज्य भर के नियोजित शिक्षक ऑनलाइन एप्लीकेशन फिलअप नहीं करेंगे, यानी जो शिक्षक एप्लीकेशन नहीं फिलअप करेंगे वो परीक्षा भी नहीं देंगे। सीधी बातचीत करेंगे, बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव है शत्रुघ्न प्रसाद सिंह, साथ ही शिक्षक नेता तमाम लोग यहाँ मौजूद है। सर, आप लोगों ने पहले भी अल्टीमेटम दिया था, आज से अब एप्लीकेशन लिया जाने लगा है, क्या टीचर एप्लीकेशन फिलअप नहीं कर रहे हैं? सरकार ने ही ऐसी विसंगतियां पैदा कर दी, उलझन पूर्ण नियमावली बना दिया और हम लोगों के निवेदन करने के बावजूद कोई संशोधन नहीं किया। राजकर्मी का दर्जा देने का कोई भी नियमावली में उल्लेख नहीं है, वरीयता का कोई उल्लेख नहीं है और हमारे जो समकक्ष लोग हैं प्राथमिक से लेकर के नीचे तक ऊपर वाले के वेतनमान का भी उपेक्षापूर्ण और घाटे का सौदा है। इसलिए तो चाहते हैं कि राज्यकर्मी का लाभ भी मिले, लेकिन ये जो अभी राज्यकर्मी का दर्जा देने की बात हो रही है उसमें हमारे तमाम शिक्षकों को वंचित ही किया जा रहा है। केवल 170,000 में ही सभी नए पुराने सब आवेंगे, जो फॉर्म भरेंगे उनकी नियुक्ति ही यहीं से प्रारंभ होगी। इसी से हम लोग तो नहीं भरेंगे, इसलिए कि हम लोग को भरने से फायदा ही क्या है। हम लोग 17 साल नौकरी कर चुके हैं रजनीश जी, और हम लोग का स्केल भी 29,000 मिल रहा है। अगले साल इस बहाली होते होते 30,000 मिल जाएगा, उसके बाद हम लोग खुद पहले से एस्टेब्लिश है 17 साल से 18 साल से अपना यहाँ, और फिर भर के नए लोगों के साथ जाकर नई नियुक्ति करेंगे तो हमसे बड़ा मूर्ख कोई होगा ही नहीं। इसलिए हम किसी भी कीमत पर लोग फॉर्म नहीं भरेंगे। सरकार अपनी ही द्वारा बनाई हुई नीतियों पर सवाल पैदा कर रही है कि आखिर हम जो उनके ही द्वारा नीति जो बनाई गई थी पिछले 17 वर्षों से 2006 से 2020 तक की जो नियमावली बनी थी, और उन्होंने ही कहा था कि पूरे बिहार भर में जो भी शिक्षक बहाल होंगे वो इसी तरह से बहाल होंगे और पंचायत विराज से बहाल। जो विधायक हैं लेफ्ट पार्टी के हों या अन्य विधायक हैं, वो भी लगातार जो शिक्षक हैं इनकी मांगों का समर्थन कर रहे हैं, बावजूद सरकार जो है बैकफुट पर नहीं आ रही है और ना ही नई